Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. अरे जिंदा है के मर गया? जिंदा है के मर गया? डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर श्रीकांत नलावडे, मुलाला कसा आता? आता ठीक है, खतरे से बाहर है. वैसे इस निशान को देख रहे हैं आप? इसे देखकर ऐसा लगता है इसके गले को किसी ने जोर से बांधा था. वैसे बच्चे का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है. डॉक्टर साहब, इस बच्चे के पास कोई ऐसी चीज मिली जिससे पता चले यह बच्चा कौन है? नहीं सर, हमने इसे अच्छी तरह से चेक किया, हमें इसके पास कोई चीज नहीं मिली. सर, बच्चे के कपड़ों को मैंने अच्छे से चेक कर लिया, इसमें से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला. लेकिन हाँ, इन कपड़ों को देख के ऐसा जरूर लगता है कि बच्चा किसी घर ही परिवार से. देखिए सर, बिल्कुल पुराने फटे हुए कपड़े हैं. संतु के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो आज भी शॉक में है. उसे तो ठीक से कुछ याद भी नहीं है कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है. एक दो दिन में हम उसे डिस्चार्ज तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब. सुबह जब आंख खुली तो देखा कि वो चुड़ैल मेरे संतू को अपने साथ लेके चली गई. और साथ में जानता था कि कानून वो मेरी बीवी नहीं है और मैं संतू का बाप नहीं हूं. तो कोई मेरी सुनेगा नहीं, इसलिए किसी से कुछ कहने का फायदा नहीं है. आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने मेरा संतू मुझे वापस ला के दे दिया. मैंने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी. शिरके इस आदमी को क्रॉस वेरीफाई करना होगा तभी पता चलेगा ये जो कुछ कह रहा है ये सच है या झूठ है. साहब, साहब सुना है संधू वापस आ गया है? हाँ साहब, संधू ठीक है ना? नहीं, सुना कि वो नदी में मिला करके. कौन है तू? मेरा नाम माधो, इलास मेरा दोस्त है, मैं इधर ही रहता है. ये मेरी बहन मनीषा. तुम में से किसी ने उस रात संगीता को देखा था अपने बच्चे को ले जाते हुए? नहीं साहब, हमने किसी ने देखा तो नहीं है, मगर एक दिन सुबह सुबह इलास आया था संगीता और संतु को ढूंढते ढूंढते. पागल की तरह ढूंढ रहा था, बहुत परेशान था वो. संतु, संतु ने बघितला का? नहीं. संतु भाऊ, भाऊ नहीं देख. ए मौसी, मौसी संतु को देखा? संतु, ए भाऊ, भाऊ, भाऊ संतु और संगीता को देखा क्या? देखा. ए भाऊ, भाऊ, भाऊ संतु ने बघितला का? नहीं भाऊ. संगीता, क्या हुआ? संतु, संतु का दिखा था. अरे नहीं तो. ए भाव भाव, संतु संगीता को ही देखा क्या? माधव, माधव, संतु ने बघितला का? संतु और संगीता को ही देखा क्या? क्या हो गया संतु को? संगीता कल रात आई थी और संतु को लेके चली. माधव, क्या बात कर रहा है यार? संगीता संतु को लेके गई? हाँ, संतु मंदार सा मुलगा है. माला फाटत नहीं, पर शायद वो जरूर मंदार के पास गई थी और जब एक बार वहां जाके जम गई तो वापस आके संतु को ले गई. शायद इन दोनों ने ही मेरे संतु को मारने की कोशिश की होगी. तुला मंदार सा पत्ता माहिती है? माला माहिती नहीं, लेकिन साहब एक बार संगीता के मुंह से सुना था वो वैष्णो चाल में रहता है और किसी गैरेज में काम करता है. मंदार, मंदार कौन है? मैं है सर. बारा, कह रहे मंदार, आजकल तेरे हाथ पैर बहुत चलते हैं, लेकिन दिमाग चलाना कब से सिखा तूने? मैं कुछ समझा नहीं साहब. ये देख, शाना मत बना. तूने ही संगीता को गायब किया और फिर संतु को मारने की कोशिश की है तूने. आयुष्पत संतु साहब, मैंने कुछ नहीं किया. आयुष्पत संतु, संगीता अच्छी औरत नहीं थी साहब, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था. मैं क्या किसका भी हाथ उठ जाता सर. रहती भले मेरे साथ में थी, लेकिन चक्कर दो और लोगों के साथ चल रहा था उसका. हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि तू ठीक है कि नहीं. तू ये पैसे दे, रख, ये तुम्हारे लिए है, रख. ठीक है,
मैं आप लोगों को फोन करूंगी, पर तुम्हें लवकर निकाल। किसके साथ गुलझर्रे उड़ा रही तू? कौन है ये दोनों? कौन है बोल? अरे कोई कोई नहीं था। सच सच बता। हम मानते हैं ना, कोई नहीं था। पागल दिख रहा हूँ मैं तेरे को? चल तू घर पे चल, तेरे को बताता हूँ क्या कर रहे थे उसके साथ। अरे कहाँ है आइकू तुझे? हाँ दगाबाजी करते हैं। सोन सर पता मेरे पास क्या हो तो गए तेरा चल सोन ये चल मंदा तो क्या कर रही है मेरे साथ तू? कौन था कौन था? मंदार कोई नहीं था। संगीता खोटो बोलो ना कुसमाइशी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बता मर चाहिए तेरे को? हाँ पैसे के लिए बुढ़े को नहीं छोड़ा तूने? ये सब तेरे उत्तम क्या चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। वो उत्तम झेंडू होगा, मैं मर्द हूँ मर्द, बताता हूँ तेरे को अपनी मर्दानगी। अरे रो क्यों रही है, तेरे को तो खुश होना चाहिए, तेरे को जो चाहिए वो मिला, अब टेंशन मत ले, अभी रोज बराबर मिलेगा। अरे ओ कुत्ते की बिल्ले मंदार, तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा, इसकी क्या गलती थी? ये खुन्नस जाके इसको बाप को बताना, मेरे को नहीं, समझी ना? कम से कम रोड पे नहीं रखा तुम दोनों को मैंने। वो मुझे और संतू को कभी नहीं मारता था, तुझसे लाख गुना अच्छा था वो। अच्छा आदमी था ना? चल अभी चल 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 और छोड़ो मुझे। चल दोबारा उसके पास जा और यहाँ से गर्दी कम कर, दोबारा आना मत, तेरे को बोल दे रहा हूँ मैं, बहुत हो गए तेरे नाटक। हे उत्तम मात्रे सा घर आएगा? कौन अपन? पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत नलावड़े। क्या उत्तम मात्रे यहीं रहता है? माला नहीं माई, हम लोग यहाँ नए नए आए हैं, इसके पहले अगर रहते तो पता नहीं। हाँ इस घर के मालिक बाबूराव है, उनको शायद पता रहेगा, आप उनको पूछ लीजिए। मग त्यांचा पत्ता देना। उत्तम? हाँ उत्तम तो मेरे यहाँ रहता था भाड़े से, लेकिन 2-3 साल रहा फिर दुबई चला गया। इस संगीता के बारे में कुछ जानते हो तुम? नहीं सब, इसके बारे में कुछ पता नहीं। हाँ लेकिन उत्तम के जाने के बाद उत्तम की माँ अपने गांव चली गई सावली में। अजी अजी तुमची सून संगीता है ना, ती कुठे? तिचं नाव नका घेऊ साहेब, उसका मेरे घर में क्या काम है, मेरे से कुछ वास्ता नहीं है उसका। और मेरा बेटा तो कब से अभी दुबई में है ना साहब। जी मुझे बताइए ये संगीता और उत्तम ये अलग क्यों हो गए? खूनी है वो लड़की, पुलिस ने पकड़ा नहीं तो क्या हुआ, उसका जुर्म थोड़ा ही ना कम हो जाता है। खून? किसका खून? अपने पहले पति का। अब तक ये साफ हो चुका था कि उत्तम और संगीता क्यों अलग हुए थे और क्यों संगीता की जिंदगी एक आम जिंदगी नहीं थी। संगीता का अतीत बार बार उसके आज के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। कानून की नजर में तो संगीता बेकसूर थी, लेकिन हमारा समाज ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी कुछ खोखली धारणाओं की सोच ये कहती है कि एक बार लगा दाग इंसान के साथ मरते दम तक रहता है। उत्तम के जाने के बाद संगीता जिस किसी के साथ भी रही, उसने वो इज्जत वो प्यार उसे नहीं दिया जिसकी संगीता को चाह थी।
उन लोगों की जिंदगी में संगीता की कोई जगह नहीं थी। वो सभी लोग उसकी जिंदगी में आए, उसका इस्तेमाल किया और फिर चले गए। संगीता को हमेशा ऐसा लगता था कि एक औरत को समाज में जीने के लिए मर्द का साथ जरूरी है। उसकी ये सोच गलत थी, लेकिन उसमें दोष संगीता का नहीं, हमारा है, क्योंकि हमने ही ऐसी खोखली मानसिकता को समाज में पनाह दी है। पुलिस अब भी ये ढूंढने में लगी थी कि संगीता कहाँ थी, लेकिन इससे पहले कि संगीता का पता चलता, केस में एक नया मोड़ आया, जिससे एक नए रहस्य पर से पर्दा उठा। इस मोड़ ने केस को एक नई दिशा दी जो चौंका देने वाली थी। क्या हुआ आगे? क्या हुआ था संगीता के साथ और किसने कोशिश की थी संतु को निर्ममता से मार डालने की? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख, हम सबको जय। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।